आज एक और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे रेलवे रिक्वायरमेंट सेल पावर हाउस रोड जयपुर की तरफ से अप्रेंटिस की जानकारी देने मैं यहाँ जा रहा हूँ। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 नवंबर 2019 से फॉर्म अप्लाई हो रहा है और इसकी लास्ट डेट है 8 दिसंबर 2019 17 अगस्त तक। इसके लिए जो योग्यता रखी गई है वो है 10th प्लस ITI। इसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस पे होगा और जो मेरिट बनेगा वो लिख रहा है कि द पैनल विल बी ऑन द बेसिक ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ मार्क्स इन दी मेट्रिकुलेशन एंड ITI। 10वीं के मार्क्स और ITI के मार्क्स के एवरेज को के आधार पर मेरिट तैयार किया जाएगा। और भी यहाँ पर लिखा गया है कि जब दो विद्यार्थियों का मार्क्स समान हो जाएगा तो जो बड़े होंगे ओल्डर एज की प्राथमिकता दी जाएगी। अगर डेट ऑफ बर्थ भी समान हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो मैट्रिक पहले पास किए होंगे उनकी प्राथमिकता दी जाएगी। आगे बात कर लें, फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर डिविजनल यूनिट वाइज, ये अलग अलग यूनिट वाइज मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। नीचे जो आप देख सकते हैं ये DRM है, डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस अजमेर बीकानेर जयपुर जोधपुर अजमेर, ये यूनिट्स है जहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए निकला हुआ है। और अलग अलग यहाँ पे देख सकते हैं आप ट्रेड्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन कोचिंग पावर TRD कारपेंटर इंजीनियरिंग फेंटर मेसन फाइव फीटर फीटर कारपेंटर मैकेनिक डीजल मैकेनिक। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो ITI के पहले तो 10वीं क्लास तो अनिवार्य होगा, M10th प्लस ITI है। एक बताते चलूँ आपको, SCVT और NCVT दोनों विद्यार्थी इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये अजमेर का है और ये बीकानेर का है, यहाँ पे टोटल 422 सीटें हैं। ये जयपुर का है 487 है, जोधपुर का 374 है। अपना अपना ट्रेड देख लीजिएगा, ये अजमेर का है ये अजमेर ये बीकानेर जोधपुर कैरिज एंड वर्कशॉप जोधपुर ये ट्रेड रखा गया है। एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे जो रखी गई है वो है 15 से मतलब क्या कह लें, जो उम्र की क्रिटेरिया रखी गई है वो 15 वर्ष से अधिक हो और 24 वर्ष से कम हो 8/12/2019 तक। SC ST के लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है और OBC के लिए 3 वर्ष का छूट दिया गया है। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 8/12/1995 के बीच डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। SC ST के लिए 2004 से लेकर के 8/12/1990 तक, OBC के लिए 8/12/1992 के बीच ये सब क्रिटेरिया रखा गया है। आइए इसे देख लेते हैं। और जो कुछ भी PWD के लिए सब रखा गया है इसको, और एक्समैन सर्विस के लिए जो रखा गया वो देख सकते हैं। पेमेंट करना है वो 100 रुपये पेमेंट करना है, वो नॉट रिफंडेबल है। और ये सब स्कैन डॉक्यूमेंट PWD के लिए आ रहा है, अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे प्रोसेस बता रहा है। और ये स्कैन डॉक्यूमेंट जो अप्लाई करने के क्रम में जो लगेंगे इस सब की जानकारी यहाँ पे दी गई है। और ये SC ST कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट्स है और ये OBC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़।